हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ, तस्वीर कहानी को देख रहे थे हम लोग। कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है? कहाँ तक आए थे याद कीजिएगा। हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। कि वो कहानी में जो श्री है वो कहती है कि उसके पति ने उसे कभी प्रेम किया ही नहीं था, उसके लिए प्रेम शब्द ही बेतुका और निरर्थक जान पड़ता है। यहाँ तक हम आए थे। ओके 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 ओके, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको। ओके क्लियर हो गए बेटा। और आगे एडमिट कर देते इन बच्चों को। चलिए, बैग का बैग रस्ती की चक्की चलने लगी थी और उसमें धीरे धीरे वो पिसने लगी थी। वह कभी काम खुद किया करता था? सच पूछे हो तो ये दो बच्चे जो घर में आए थे मुझसे बिना पूछे। प्लीज किसी का प्लीज, आपकी सारी बातों को हम लोग सुन रहे हैं। जो भी है आपका ऑन ऑफ कर दीजिएगा। आपकी आवाज जब तक बंद नहीं होती है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्लीज, आपकी आवाज आ रही है बेटा। आपका माइक्रोफोन किसी को ऑन है तो आप ऑफ कर दीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक सटीकता से पहुंच पाए। ब्याह की बात, रस्ती की चक्की चलने लगी थी और मैं उसमें धीरे धीरे पिसने लगी थी। वह कभी काम खुद किया करता था? सच पूछो तो ये दो बच्चे भी जो घर में आए थे मुझसे बिना पूछे ही आए थे। वह घर में ज्यादा देर तक निचला बैठ ही नहीं सकता था। काम पर से घर लौटता तो थोड़ी देर बाद थैला उठाकर बाहर निकल जाता। कभी उसका मन आए तो बता देता कि कहाँ जा रहा है, कब लौटेगा, वरना बाहर निकलने पर केवल उसकी पीठ नजर आती। कभी साइकिल उठाकर किसी और निकल जाता तो कभी किसी और। मैं बेटी अनुमान लगा रहती थी कि थैला लेकर गए हैं, कुछ सौदा सुल्फ लेने गए होंगे, जल्दी लौट आएंगे। साइकिल पर गए हैं, किसी से मिलने गए होंगे, देर से लौटेंगे। अब देखिएगा, ये सारी जो चर्चा है, ये तस्वीर कहानी की जो नायिका है जिसका नाम नहीं उच्चारित किया गया है, लेकिन वह अपने ससुर से और अपने पति से किस प्रकार से अपने उस जीवन से त्रसित हो चुकी, व्यथित हो चुकी है, और त्रसित व्यथित होने वाली वह नारी अपनी जीवंत वेदना को यहाँ पर प्रकट करती है। सुबह काम पर जाने से पहले मुझे वह कोई काम सौंप कर जाता तो मैं दिन भर घबराई रहती कि मुझसे ठीक ढंग से हो पाएगा या नहीं। मामूली सा काम होता तो मुझे डर लगा रहता कि कहीं मुझसे भूल न हो जाए। कभी कभी मुझसे भूल हो ही जाया करती थी। भूल हो जाने पर वह मुझे फटकार देता या कभी व्यंग से हंस कर कहता, कोई बात नहीं, आगे से मैं खुद कर लूंगा। तभी चुप बन जाता, न हूं न हां, गुमसुम दूसरी ओर चला जाता। उसे गुमसुम देखकर मैं और ज्यादा घबरा जाती। मैं जानती थी कि आज तो चुप रहेगा, पर 10 दिन के बाद इसी घटना को याद करके विष में बूझा कोई वाक्य कहेगा जो मेरा कलेजा साल देगा। अब पति की बात बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि पति उसके साथ कैसा बर्ताव करता था। तभी शादी के 7-8 साल बाद ही मुझे कभी कभी सिर में दर्द उठने लगा था और मैं माथे पर पट्टी बांधकर खाट पर पड़ी रहने लगी थी। पर जब उसके बाहर से लौटने का समय होता तो माथे पर से पट्टी खोल देती, हाथ मुंह धो बना सवर कर बैठ जाती, क्योंकि उसे करीना पसंद था। मेरा फोर्ट बने घर में बैठना उसे बुरा लगता था। वो घर लौटते पूछता, राशन कार्ड बनवा लिया या टपकता नल ठीक करवा लिया था? ठीक करवा लेने के बावजूद मेरे हाथ पांव फूलने लगते थे। वह ऐसा था या ऐसी मैं हो गई थी, पर उसके घर लौटने पर दोनों बच्चे उधम मचाने लगते हैं। दोनों एक साथ उसके गोद में बैठने के लिए मचलने लगते हैं। कभी बेटा पिता से मेरी शिकायत करने लगता, पापा आज माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था,
मुझसे दूध गिर गया तो माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और कहते हुए उछल कर उसके गोद में चढ़ बैठा। तब मेरे मन में गहरी टीस उठते, मुझे लगता कि बच्चों को भी उसने अपने हाथों में कर लिया, बच्चे भी लपक लपक कर उसी से मिलते हैं। पर बाद में मैं अपने को कोसते, बुरा भला कहते, मेरे हक में न सही, बच्चों के हक में तो अच्छा है, बच्चे तो अपने पिता से प्रेम करते हैं, यदि उसके घर लौटने पर उससे डर कर भागते तो क्या अच्छा होता। पर उसकी आंखें बंद करते ही यह कहानी भी खत्म हो गई। फिर तो दूसरे बवंडर चलने लगे जिनमें मेरी सुदबुद्धि जाती रही, पर धीरे धीरे मैं संभलने लगी थी, अपनी स्थिति को पहचानने लगी थी। अब यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। ओके, हम लोग आगे बढ़े, आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़े। जी मैम। ओके, वेरी गुड। एक दिन मेरे ससुर उनका एक बड़ा सा चित्र लेकर आए और उसे कमरे की दीवार पर टांग दिया। बड़े आकार की तस्वीर थी और वह उसमें मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा सारा शरीर झंझना उठा और सिर से पांव तक कपकपी हुई। मेरे दिल में तूफान उठने लगा और मैं बेकाबू सा महसूस करने लगी। दोनों बच्चे अपने बाप को बाप का चेहरा पहचानते ही लपक कर तस्वीर के नीचे जाकर खड़े हो गए। मैं सोचती थी वे रोने बिलखने लगेंगे, पर वे मुझे बड़े खुश नजर आए। मुझे लगा जैसे वो घर में लौट आया है और उसके आ जाने से घर फिर से भर गया है। केवल तस्वीर कितना बड़ा काम कर देती है दोस्तों, देखिए ना, आज वो जीवित नहीं है लेकिन बस केवल मात्र उसकी छवि को निहार रहे बच्चे हैं, उसकी छवि को देखकर उस तस्वीर के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बड़े खुशी से उसके चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है कि शायद हो सकता है कि उसके पापा उसके घर में ही लौट आए हैं। तस्वीर टांगने के पश्चात मेरे ससुर ने रंगदार रेशमी धागों का बना एक हार तस्वीर के आर पार टांग दिया। हार टांगने से मुझे लगा जैसे फिर से दूर चला गया है और दूर से ही मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा है और घर फिर से खाली हो गया। उस दिन मेरे दिल की कैफियत अजीब सी रही है। बरसों पुरानी कोई भावना अतीत के किसी कंदरा में डूबी खोई फिर से बुलबुल कुलबुलाने लगी। तस्वीर टांगने की थोड़ी देर बाद ससुर चले गए। वे कुछ चीजें बेचने के बारे में कह रहे थे पर मैं ध्यान से सुन नहीं पाई। मैं तस्वीर के निकट ही दिन भर डोलती रही। तरह तरह की भावनाएं, परस्पर विरोधी भावनाएं, मेरा दिल मत्ती रही से तात्पर्य है दोस्तों कि जब भी उसने उस तस्वीर को देखा, हंसते हुए उस चेहरे को देखा, तो कहीं न कहीं यह दिल में ठेस पहुंचने लगे कि उसका पति उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करता था। पुरानी यादों को फिर से संजोने का प्रयास वह करने लगे। उस रात बच्चे तो सो गए लेकिन वो करवट लेती रही है। जब ब्याह कर आई थी, अब देखिए ना, वो ब्याह कर जब आई थी तो उसके साथ उसके पति का बर्ताव क्या। जब ब्याह कर आई थी तो मेरा पति मुझे बहुत अच्छा लगा था, गोरा गोरा नाजुक सा, यह क्षण भर का ही भास रहा होगा। यह हमारे कमरे में दहेज का सामान तरतीब से देख रहा था और सामान रखते हुए उसने मेरी ओर घूमकर पहली बार देखा था और मुस्कुरा दिया था। उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जैसी इस तस्वीर में उसके ओठों पर खिल रही थी। तभी वह मुझे अच्छा लगा था, गोरा गोरा नाजुक सा। एकाध बार फिर भी ऐसी भावना मेरे अंदर जगी थी जब ऐसी मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही होती है। एक बार चांदनी रात में छत पर लेटे लेटे मेरे ऊपर झुके हुए कुछ कहा था और मुस्कुरा दिया था, तब भी वह मुझे प्यारा और अपना लगा था। फिर न जाने वे क्षण कहाँ डूब गए। गृहस्थी की चक्की चलने लगी और हम एक दूसरे से दूर होने लगे। क्या क्षण भर की यह प्रतिक्रिया ही उसके प्रति मेरा प्रेम भाव था। अंत तक पहुंचते पहुंचते मैं उससे डरने घृणा करने लगी थी। क्या इसी कारण उसकी तस्वीर देखकर मैं भावावेश में खड़ी रह गई। पहले दिन का मेरा आकर्षण क्या मरा नहीं था। क्या कभी कोई भाव मरता नहीं है, केवल दब जाता है। और वक्त पाते ही फिर कुलबुलाने लगता है। क्या इसलिए भी मरने के बाद सभी व्यक्ति निर्दोष लगते हैं।
मौत की विकराल शक्ति के सामने प्रत्येक मनुष्य कितना निर्दोष और निस्सहाय होने लगता है। वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, पर तस्वीर के लग जाने के बाद वो मुझे अच्छा लगने लगा था। वह था तो घर था, परिवार था, गृहस्थी थी। अब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बच्चों के रहते भी घर भाई भाई करता है। क्या आश्रय का, अपनी जरूरत का ही नाम प्रेम है? कितने बड़े बड़े सवाल, तमाम ऐसे सवाल करती है वो घर की नारी। केवल घर में तस्वीर के लग जाने से फिर से वह घर हरा भरा हो जाता है, घर में फिर से वह खुशहाली छा जाती है, परिवार परिवार सा लगने लगता है, गृहस्थी गृहस्थी जैसी लगने लगती है। दोस्तों, मौत एक ऐसी विकराल शक्ति है जो निरीह निर्दोष और निस्सहाय लगती है, और खास तौर पर जब लोग होते हैं अपने अपने साथ होते हैं तो हमें अपनों का मूल्य नहीं होता, लेकिन जब अपने पराए हो जाते हैं, अपने हमें छोड़कर दूर देश में चले जाते हैं, तब हमें अपनों का महत्व होता है। और यही बात है जीवन की, यही वास्तविकता है, और जीवन की इसी वास्तविकता को आपको और हमें परिचित भी होना होगा। किस प्रकार से आज उसका पति जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी केवल मात्र तस्वीर को देखने के पश्चात हमें इस निरंतर रूप से सामने आ जाता है कि किस रूप में हमारी यह नारी अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को चला रही है। तस्वीर लग जाने से घर का वातावरण कुछ कुछ हल्का होने लगा, विशेषकर बच्चों के लिए। आते जाते वे तस्वीर को देखते, खड़े खड़े उससे बात करते, उसे अपनी दिनचर्या सुनाते हैं, उसके सामने नए नए खेल खेलते हैं। एक दिन दोपहर में मैं थकी मांदी बाहर से लौटे तो छोटा नलीन तस्वीर के सामने खड़ा शिकायत कर रहा था। छोटे प्रश्नोत्तरी, देखिए ना, छोटे लड़के का नाम है नलीन, और आपको एकोत्तरी प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि तस्वीर इस कहानी की छोटे बेटे का नाम क्या है, तो छोटे बेटे का नाम नलीन है, सचिन है या और कोई दूसरा है, तो आपको याद रखना है कि छोटे बेटे का नाम नलीन है। पापा, आज माँ ने हमें रोटी नहीं, क्या शिकायत करता है बेटा अपने पिता के पास, देखिएगा। पापा, आज माँ ने हमें रोटी नहीं दी, मुझे इतनी भूख लग रही है, तुम माँ को डांटना, माँ गंदी है, पापा तुम बड़े अच्छे हो। मैं भाग कर बेटे से लिपट गई। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें जाने कैसे हो रही है, भूख के कारण बड़ी बड़ी फैली फैली सी उद्भ्रांत से उसने मेरी ओर आंखें फेरी। मुझे लगा जैसे वह मुझे न देखकर मेरी तस्वीर को देख रहा है। मैंने उसे बाहों में लेकर चूम लिया। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आवश्यकता होने पर हम खुद आपको बोलेंगे कि आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी से गुजारिश है, प्यार भरी गुजारिश। आवाज इको हो जाती है, समझ में नहीं आएगी कहानी आपको इससे। छोटे बेटे को भूख लगी है, स्वाभाविक तौर पर घर की हालत वैसी नहीं है जैसे पूर्व रूप में थी, और आज घर में रोटी भी नहीं है। छोटा बेटा उस फोटो के सामने निरंतर रूप से खड़ा है, और खड़े होते हुए वह कहता है, माँ की शिकायत करता है, और शिकायत भी क्या, तो वह कहता है कि पापा, आज हमें माँ ने रोटी नहीं दी, मुझे इतनी भूख लगी है, तुम माँ को डांटना, माँ बहुत गंदी है, और पापा तुम अच्छे हो। मैं भागकर बेटे से लिपट गए। कोई भी माँ यह नहीं चाहती कि वह अपने बच्चों को भूखा रखें, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में वह उन बच्चों को छोड़कर जाती है, किस मजबूरी के साथ वह अपना जीवन यापन करती, जरा देखो तो। और वो बेटे उसे नहीं समझ पाते। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें जाने कैसे हो रही थी, भूख के कारण बड़ी बड़ी फैली फैली सी और उद्भ्रांत से उसने मेरी ओर आंखें फेरी। मुझे लगा जैसे वह मुझे न देखकर मेरी तस्वीर को देख रहा है। मैंने उसे बाहों में लेकर चूम लिया तो वह बोला, तुम मुझे चूम रही हो ताकि मैं पापा से तुम्हारी शिकायत ना करूं, पर तुम गंदी हो, पापा अच्छे हैं। नहीं नहीं, तुम शिकायत करो, जितना मन में आए शिकायत करो, मैं सचमुच गंदी हूं। पर इसी पर बस नहीं हुआ। उस रोज मेरे ससुर ने घर का पुराना रेफ्रिजरेटर बेचने का फैसला कर लिया, और एक आदमी से बात भी पक्की कर ले। रेफ्रिजरेटर के बाद घर का छोटा कालीन, दो दरिया, मेज, कुर्सियां बेचने का भी उसका इरादा था।
उसके बाद घर किराए पर चढ़ा देने और हमें इस घर से ले जाकर अपनी दो कोठरियों में बसा देने की बात वो कर रहा था। मैं उस रात लेटी तो मेरे मन में अचानक ही गहरी टीस उठी, वह मरकर भी अच्छा है, मैं दर दर की ठोकरें खाकर भी बुरी हूं। उसने जीते जी बच्चों को ऐसा अपने हाथ में किया था कि मरने के बाद भी वे उसी के साथ हैं, उसी को अच्छा समझते हैं, उसके चले जाने के बाद भी बच्चे उसके साथ मेरी तुलना करते हैं। यह विचार अचानक ही मेरे मन में उठा और मैं अंदर ही अंदर छटपटाने लगे। मेरे मन पर फिर से बादल सा घिरने लगा, मैं फिर से किसी गहरे कूप में घिरने लगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस मैम। आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़े। यस मैम। हां मैम। जी मैम। यस मैम। ओके। उस दिन के बाद मैं जब भी नलिन को अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा पाती तो मेरे दिल में एक डंग सा चुभ जाता। सही भी तो है ना, जब इतना प्यार करती है, दर दर की ठोकरें खाती है ना, फिर भी जब अपने ही बेटे अपने पिता को बहुत अच्छा समझते हैं और माता को बहुत गंदा समझते हैं, तो कितना बड़ा दुख एक माँ के हृदय को पहुंचता होगा। मतलब जब वो जीवित था तभी भी, जब वो जीवित था तभी भी वो सारे लोगों को अपने कैद में कर लिया था, अपनी ओर में ले लिया था, जैसे उनके बच्चे उसी के थे, और आज वो जीवित नहीं है तो फिर भी उनके बच्चे उसी के लिए हैं, और वो मर जाने के बाद भी अच्छा है, और वो जीवित रहने के बाद जो दर दर की ठोकरें खा रही है तो वह गंदी औरत है। किस प्रकार का वक्तव्य के साथ हमारी जो नायिका है वह किस छटपटाहट में अपनी जिंदगी को ढो रही है। और उस दिन के पश्चात जब भी नलिन को अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा पाती तो मेरे दिल में डंक सा चुभ जाता। वह जरूर उसके सामने मेरी बुराई कर रहा होगा। घर में रहते सारा वक्त मेरे कान नलिन और उसकी बहन की ओर लगे रहते हैं। वे अपने बाप से क्या कहते हैं, मेरी क्या क्या शिकायत करते हैं। भाई बहन आपस में खुसफुस करते तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि वे एक दूसरे से मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही एक सूट बूट वाला आदमी रेफ्रिजरेटर लेने पहुंच गया। घर के बाहर एक ट्रक खड़ा था। वह आदमी 2-3 मजदूरों को लेकर घर के अंदर आ पहुंचा। मैं उसी वक्त रेफ्रिजरेटर को धो पहुंच कर बैठी थी। मजदूर मोटे मोटे रस्सों के साथ रेफ्रिजरेटर को बांधने लगे तो दहलीज पर खड़ा नलिन सहसा तड़प उठा। रेफ्रिजरेटर के बीच जाने का खेद मुझे भी था, लेकिन ससुर के निर्णय के सामने मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। जब मजदूरों ने रेफ्रिजरेटर को रस्से से लपेट कर उठाया उसी वक्त नलिन दोनों हाथ फैलाए दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया। ये पापा का है। देखिए कितनी बड़ी हिम्मत उन बच्चों में थी और है, कल भी थी आज भी है। बच्चों में हिम्मत होती है दोस्तों, लेकिन हम बड़े लोग बोलते हुए सकुचाते, लेकिन छोटे लोग बिल्कुल सकुचाते नहीं है। इसके पूर्व भी हमने छोटे बच्चों की बात आपको कही थी कि जब हम लोग बड़ों की बात करते हैं तो छोटे बच्चे उनको बड़ी गहराई से सुनते हैं, देखते परखते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। आत्मसात ही नहीं करते बल्कि उसे आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम बड़ों ने बहुत अच्छे रहना चाहिए, हमारा वक्तव्य अच्छा होना चाहिए, हमारा कर्तृत्व अच्छा होना चाहिए, हमारी वाणी अत्यंत मधुरमय होनी चाहिए, व्यवहारमयता हमारे बीच में होनी चाहिए। और जब हमारे बीच में नहीं होता तब ये सारे जो फंडे हैं बच्चे अपने आप ले लेते हैं। उसे रोकने की हिम्मत इसकी अपने नायिका की नहीं थी, लेकिन रेफ्रिजरेटर को लेकर जा रहा है यज्ञ जितना दर्द उसके दिल में था, नायिका के दिल में था, शायद उससे भी ज्यादा दर्द नलिन को होता था। और नलिन ने अब तक चुप बैठा, लेकिन जैसे ही नलिन को पता चल गया तो नलिन ने क्या किया, दोनों हाथों को फैलाए हुए उस दरवाजे के बीचों बीच में खड़ा हो गया और कहा कि ये मेरे पापा का है। मजदूर ठिठक गए, मुस्कुरा दिए। मैंने घूम कर देखा, नलिन का चेहरा तमतम रहा था। यह फ्रिज मेरे पापा का है, वो फिर से चिल्लाया। पर जब मजदूर फ्रिज को ले जाने के लिए हुए तो नलिन अपने पिता की तस्वीर की ओर भाग कर आया और चिल्लाकर बोला, देखो पापा, माँ ने तुम्हारा फ्रिज किसी को दे दिया है, देखो देखो। वे उसे ले जा रहे और फिर लपक कर आगे आ गया और दरवाजे के बीच फिर से अपनी दोनों बाहों को फैला कर रास्ता रोकने लगा। इसे मैं नहीं ले जाने दूंगा, यह मेरे पापा का है, वो पागलों की तरह चिल्लाया। मेरे अंदर जैसे तूफान उमड़ने लगा, एक ओर लाचार की और दूसरी ओर दिल को सालने वाला एक शोक, फ्रिज न बेचू तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी तौफीक ही क्या है। मैं स्वयं बेसुध हुई जा रही थी। इस पर मैं भी चिल्ला उठी,
हट जाओ नलिन, क्या कर रहे हो, ले जाने दो इन्हें। नहीं, यह तुम्हारा नहीं है, यह मेरे पापा का है, यह मैं नहीं ले जाने दूंगा। हटते हो या नहीं, मैं जोर से चीखी और आगे बढ़कर उसे बाहर से पकड़ कर खींच लिया। नलिन का पैर चलता तो मेरा हाथ काट लेता। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखें जाने कैसे हो रही थी। तुम गंदी हो माँ, तुम गंदी हो, तुमने पापा का फ्रिज बेच दिया है। उसके बाद वह हाथ पैर पटकने लगा, मेरे कपड़े खींचने लगा, मुझे धक्का देने लगा। चुप रह नलिन, बस चुप हो जा, छोड़ दे मुझे। पर वह पागलों की तरह चीखे जा रहा था और मुझे दीवार के साथ पीछे धकेले जा रहा था। तुम गंदी हो, गंदी हो, और पापा अच्छे थे। मैंने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए और उसे धकेलते हुए पीछे कमरे में ले गई। आ तुम, तुझे बताओ कि मैं गंदी हूं या अच्छी हूं। तभी कमरा लांगते हुए तस्वीर के सामने से गुजरते हुए चिल्लाया, देखो माँ पापा, देखो पापा, माँ मुझे पीट रही है, माँ ने तुम्हारा फ्रिज किसी को दे दिया है। सुनते ही मेरे टांगों में जैसे पानी भर गया, मेरे हाथों में से सारी ताकत जाती रही। फिर भी मैंने नलिन को छोड़ा नहीं और उसे घसीट कर पिछले कमरे में ले गए और नलिन को उसकी खाट पर पटक कर बोली, बैठ इधर, खबरदार जो बाहर निकला। और फिर स्वयं बाहर आकर दरवाजे पर साकल चढ़ा दी। बैठक में लौटते मेरा अंग अंग शिथिल पड़ गया, दीवार के साथ लगकर मैं बेसुध और निढाल खड़े रह गए। अब क्या होगा, मैं बुदबुदाई, हे भगवान अब क्या होगा। सारा वक्त कमला डरी डरी से पिछले दरवाजे में खड़ी रही। कमला 11 बरस की हो चली थी। उन दिनों वह भी अक्सर अविश्वास की दृष्टि से ही मुझे देखा करती थी। उधर ससुर की फटकार, इधर बच्चों की, वह तो चला गया, इसमें मेरा क्या दोष। उसकी जगह मैं चली जाती तो अच्छा होता। मुझे लगा जैसे कमला मेरी और डर और उपेक्षा से देखे जा रही है। उसकी आंखों में मुझे दृष्टता का भास मिला, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। फिर वह घूमकर रसोई घर में चली गई और मेरी ओर पीट कर गुमसुम खड़ी हो गई। उसके जीते जी भी कई बार ऐसे सीन हुआ करते थे। वह बड़ी रुखाई से मुझ पर बरसने लगता था, तब भी बच्चे सहम कर अलग हो जाया करते थे। तब भी मन ही मन में शायद मुझे ही कोसा करते थे। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो भी मार्मिकता के साथ, यथार्थता के साथ जो चित्रण हुआ है, निश्चित तौर पर यह चित्रण नहीं होना चाहिए। यह मार्मिकता है, वास्तविकता है कि पति पत्नी के झगड़े केवल पति पत्नी के बीच में ही होने चाहिए, न कि बच्चों के सामने। क्योंकि बच्चों के सामने यदि इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा हम बड़े लोग करते हैं तो निश्चित ही तौर पर उसके उन बच्चों के मन और मस्तिष्क पर इसका गहरा असर होता ही है। दोस्तों, यही तो हुआ। कमला और नलिन के माइंड पर छोटे बचपन से ही लेकर ही क्यों न हो, यह उनके मन पर गहरा असर हो गया। और जब मन पर गहरा असर हो जाता है तो निश्चित तौर पर रुखाई बढ़ जाती है, निश्चित तौर पर क्रोध ईर्ष्यालु भाव हमारे बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब कमला और जो हमारा नलिन है, इन दोनों के झगड़ों के ओर सामने आते हुए इन सभी ने देख लिया। अचानक ही मेरी आंख तस्वीर की ओर उठ गई, मुझे धक्का सा लगा। वह तस्वीर में उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे जिंदगी में मेरे किसी काम से असंतुष्ट होकर मुस्कुराया करता था। तीखी व्यंग भरी मुस्कान, मेरी त्रुटियों पर हंसते हुए, यह क्यों लौट आया है, यह क्या चाहता है, यह मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता। वह मर कर भी बलवान है, मैं जिंदा भी मरी हुई के बराबर हूँ। वह जो का त्यो व्यंग भरी नजर से मेरी स्थिति पर मुस्कुराई जा रहा है, बच्चों को बढ़ावा दे रहा है, हमारी एक एक बात सुनता रहता है। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं तस्वीर को वहां से हटा दूंगी। तस्वीर ही घर में नहीं होगी तो घर में चैन होगा। बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, मुझे कोसेंगे, पर उसके सामने शिकायत तो नहीं करेंगे, रो दो कर चुप हो जाएंगे। पर उसी समय मुझे अपने ससुर की याद आई और मेरा तन बदन कांप गया। उसकी तस्वीर हटा देने पर न जाने ससुर के मुंह से क्या सुनने को मिलेगा। मेरा दिल धक धक करने लगा। घर में बैठी और धीरे धीरे चलती हुई तस्वीर वाले कमरे में आ गए। दोनों बच्चे चुपचाप सो रहे थे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं कमरे में आई पर मैंने नजर उठाकर उसके चेहरे की ओर नहीं देखा। मैं उसे वहां से हटाने के बारे में सोच रही थी। जब बाहर आंगन में आहट हुई, मैंने घूम कर देखा, ससुर आ रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। क्या इन्हें मालूम हो गया था कि मैं तस्वीर हटाने जा रही हूँ?
वे छड़ी उठाए पैर पटपटाते रोज प्रातः पहुंच जाया करते थे और फिर मैं उनके पीछे पीछे गली गली की खाक छानती फिरती थी। कल सुबह एक फर्नीचर वाला आएगा, वे बैठते हुए बोले, कह गया था 10 बजे आऊंगा, मेज कुर्सियां और बड़ी अलमारी उसे दे देना। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं भभक उठी, नहीं जी मैं कुछ नहीं बेचूंगी। मेरे मुंह से छूटते ही निकल गया। ये शब्द कहते ही मैं इतनी घबरा गई, मैंने पास पड़ी कुर्सी को सहारे से पकड़ लिया। अब तक तो उसमें जान नहीं थी, सारी चीजें बेच रहा था उसका ससुर, लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं कहा, मजबूरी के कारण ही क्यों न हो। लेकिन यहाँ पर जब फर्नीचर बेचने की बात आती है तो निश्चित ही तौर पर उसके दिल की धड़कन अब तेज हो जाती है और अब वह सीमाओं को पार कर देती है और अपने ससुर के साथ बर्ताव करती, नहीं जी मैं कुछ नहीं बेचूंगी। और जब वह अपने सारे शब्दों को निकालती है तो उसे बेबस सा लगता है, वह छूटते ही अपनी कुर्सी को पकड़ लेते हैं। ससुर अवाक से खड़े हो गए, हैरान थे उसके सामने मुंह खोलने का कैसे साहस मैं कर पाई हूँ। मुझे भास हुआ कि अब वे ऊंचा बोलेंगे, अतः प्रेरणावश में इन्हें कुर्सी को और ज्यादा कस पकड़ लिया, पर उनकी आवाज धीमी थी। तो बीबी खाएगी कहाँ से, मेरे पास तुम्हें पालने के लिए पैसे नहीं है और तेरे मायके वाले जीते जी वैसे मरे हुए है। मैं चुप भूत की भूत बनी खड़ी रही। 10 बजे वो आएगा, मेज कुर्सी अलमारी उसे दे देना, उन्होंने फिर से कहा। जी नहीं मैं नहीं दूंगी। इस पर वे बौखला उठे। तू कौन है फैसला करने वाले, उन्होंने चिल्ला कर कहा, तेरे पास है क्या, चुपचाप सामान बांधो चलो मेरे साथ। मैं सिर से पांव तक कांप उठे, पर मैं कुर्सी को कस कर पकड़ रही। जी नहीं मैं यहीं पर रहूंगी। आकांक्षा तो नहीं है, मैं यही बच्चों को लेकर रहूंगी, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी। मैं जानती थी कि अब तो वे जली कटी कहेंगे, कोसेंगे, चिल्लाएंगे, पर उनकी आवाज फिर से धीमी पड़ गई। मेरे बेटे ने मेरी सुनी होती तो मेरे साथ तेरे साथ ब्याह ही नहीं करता, कंगालों की लड़की ले आया। फिर वे देर तक बोलते रहे। दोनों बच्चे उठकर दहलीज पर आ गए थे और सहमे से खड़े हमारा वार्तालाप सुन रहे थे। फिर मेरे ससुर फुफकारते छड़ी पटपटाते दरवाजे की ओर घूमकर बोले, 10 बजे फर्नीचर वाला आएगा, उसे मेज कुर्सी दे देना, मैं उससे बात कर आया हूं। मैं चुप जो कि त्यों खड़ी। वे दरवाजे में टिकटक करे, उनका बच चलता तो छड़ी से मेरी पीठ धुन देते। जाने से पहले उन्होंने एक बार कहा, अगर नहीं दिया तो मुझ जैसा कोई बुरा नहीं होगा, मुझसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद न रखना, कहकर वह बाहर निकल गए। ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसी आवेश में मेरे मुंह से बात निकल गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कांड होगा, मैं तो तस्वीर उतारने आई थी, पर यह सब कैसे हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात उसके साथ होने जा रही है, और बात भी क्या, हम तो ये बताने का प्रयास करें दोस्तों कि किस प्रकार से वह अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने पति के उन सभी चीजों को बचाने का सफल प्रयास कर रही है। मैं रसोई घर में चली गई। देर तक किचन में मैं कभी एक काम को हाथ में लेती तो कभी दूसरे को, पर हाथ किसी काम पर टिक नहीं पाते थे। कभी अपनी दृश्यता पर अचंबा होता, कभी सिर से पांव तक लरज लरज जाती, कभी एक अनूठी पुलक से सारे जिस्म में दौड़ जाती, कभी मुझे बच्चों के चहकने की आवाज आती है। दोनों हंस रहे थे, बतिया रहे थे, कुसपुस कर रहे थे। फिर मैंने सुना नलिन अपने पिता की तस्वीर को संबोधन कर रहा था। पापा माँ कुर्सियां मेज नहीं बेचेगी, माँ ने कह दिया है, पापा तुम्हारी चीजें घर में ही रहेगी। पापा दादाजी ने माँ को बहुत डांटा मगर माँ नहीं माने, वह डरी भी नहीं, माँ ने उनसे कह दिया कि मैं नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी, और पापा हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और पापा तुम माँ को पैसे देकर भी नहीं गए, वो कितनी गरीब है। कितनी बड़ी यथार्थता देखिएगा उस वाक्य में, कितनी बड़ी मार्मिकता है उन बच्चों की बातों में, कि वह पापा के साथ अब तक बात कर रहे थे, पापा के साथ अब तक वो शिकायत कर रहे थे, पापा को अच्छा मानते थे और माँ को गंदी मानते थे, लेकिन आज वही बच्चे बदल गए हैं, क्योंकि सारी सच्चाई वास्तविकता उनके सामने आ गई है। किस प्रकार से उनके जो दादाजी है, कैसे उनको उनकी मम्मी को डांटते हैं, कैसे समझाते हैं, ये तक उन्होंने सुना है, और कैसे उसकी माँ ने उसका खड़ा जवाब दे दिया है, यह तक उस बच्चों ने सुना, और इसके कारण वह पापा की तस्वीर के सामने जाकर कहते कि माँ पापा को दादाजी ने बहुत डांटा, लेकिन मम्मी मानी नहीं, डरी भी नहीं, और उसने कह दिया कि मैं उसे नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी।
मेरा रोम रोम पुलक उठा। पहले तो मैं कान लगाए नलिन की बातें सुनती रही, फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैं रसोई घर से दौड़ती आई और नलिन को छाती से लगा लिया। मेरे छाते में कोई हथौड़े मार रहा था और मैं बेसुध भी जा रही थी। दोनों बच्चों को बाहों में भरकर जाने इतनी देर में बैठी रही, जैसे जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ पा लिया हो, जैसे पहली बार मेरे दिल को त्राण मिला हो। मैंने आंख उठाकर ऊपर देखा, वह तस्वीर के चौखट में मेरी ओर देखे जा रहा था। उसके होठों पर वही मुस्कान लौट आई थी जिसकी झलक मुझे शादी के पहले दिन उसके होठों पर मिली थी। और इसी मुस्कान के साथ हमारा ये जो पाठ था, यह पाठ हमारा क्लियर हो गया। तस्वीर या जो हमारी कहानी थी ये समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारी लगभग कितनी कहानियां हुई है क्या आप लोग बता सकते हैं? तीन। कौन कौन सी? सदगति, जिनावर और तस्वीर। जिनावर और तस्वीर। तस्वीर। कौन सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सी कहानी में मजा आया? तस्वीर। तस्वीर कहानी में, ठीक है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा होती है। हम हरे कहानी को पढ़ाते समय आपको बता चुके हैं, है ना? तो ऐसा ही कुछ प्रयास आप लोगों को करना है। आप लोग शायद घर पर कर भी रहे होंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम हम आपसे लेना चाहते हैं। तीन कहानियां हमारी लगभग हो चुकी हैं, तो एक कहानी पर लगभग 10 क्वेश्चंस को यदि आप लोग बना पाते हो तो आप लोग बना दीजिएगा। या हो सकता है कि इस कहानी के कथा वस्तु के संदर्भ में आपको कोई राइटिंग, तो आपको राइटिंग भी करनी होगी। होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर आपको असाइनमेंट हम कल की तासिका में आपको देंगे, उसे आपको करना होगा। कल की तासिका में मात्र असाइनमेंट का हमारा लेक्चर होगा। हो सकता है कि असाइनमेंट से के पहले उसके बाद में कोई नई कहानी लेकर हम प्रस्तुत हो जाएं। सरहद के इस पार, यह हमने पिछली तासिकाओं में बताया गया था कि सरहद के इस पार इस कहानी को हम लेंगे। बहुत ही मार्मिक, दर्दनाक, व्यथित, त्रसित होने वाली कहानी, लेकिन एक और सचेत करवाने वाली, एक और युवाओं को बहुत प्रेरित करने वाली ऐसी हमारी वो कहानी है जिस कहानी को लेकर हम लोग आपके सामने रहेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को परीक्षा के लिए, कल की जो आपकी असाइनमेंट है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। असाइनमेंट आपकी तीन कहानियों पर ही होगी। पहली कहानी जो आपकी हो चुकी है सदगति कहानी, दूसरी कहानी हो चुकी है जिनावर, और तीसरी कहानी हो चुकी है आपकी तस्वीर। इन्हीं तीन कहानियों पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों कहानियों का पीडीएफ आपके पास दे दिया है ना? पीडीएफ नहीं मैम। ठीक है, इन तीनों कहानियों का पीडीएफ हम आज, ये पूरी जो बुक है वह आपके ग्रुप पर डलवा देंगे। पूरी बुक की बुक ही आपके ग्रुप पर मिल जाएगी। और साथ ही में आपके पास इन तीन कहानियों का नोट्स यदि होते हैं तो नोट्स भी दिए जाएंगे। या हो सकता है कि इन सभी नोट्स के संदर्भ में हम गूगल क्लासरूम पर नोट्स डलवाएंगे और इसका जो बुक का पीडीएफ है यह आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। गूगल क्लासरूम पर इसकी नोट्स होगी और व्हाट्सएप के ग्रुप पर यह बुक होगी। जैसे भी हो सकता है कि दोनों भी बुक आपको गूगल क्लासरूम पर मिल जाए। जैसे भी हमें पॉसिबल होता है उस हिसाब से हम वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि असाइनमेंट सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी रूप में आप सभी लोगों को असाइनमेंट करना जरूरी है। तो पढ़कर आइएगा, खाना खाने के लिए हम आपको इस तासिका के तुरंत बाद हम आपको खाना परोस देंगे। खाना वो परोसे नहीं जो दाल चावल सब्जी रोटी है ना, आचार आपकी मम्मी आपको देती हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी कहानियों का उपहार होगा, कहानियों का खाना आपको दिया जाएगा। नोट्स के संदर्भ में डिस्कशन जो आपको दे दिए हैं, इसके पूर्व हमारे जितने भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आप लोग शायद देख चुके हैं, तो उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नहीं मिली नोट्स, ध्यान में रखिएगा, यदि आज आपको पीडीएफ फाइल नहीं सेंड कर पाए तो आपको वीडियो को सुनना है।
जितने भी लोगों ने उन वीडियो को अब तक सुना नहीं है उनके सुनने के पश्चात आपको उस कहानी की थीम को आपको एक्सेप्ट करना है, आत्मसात करना है और उसे कागज पर उतार लेना है, क्योंकि कल आपका असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट आप सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा। आपको दूसरी तासिकाओं में भी असाइनमेंट मिले होंगे? नहीं मैम, मिले नहीं अभी तक। अभी तक हाँ, तो अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? अभी तक मिले नहीं है तो अभी स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि कल की तासिका में आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजुषा का गूगल फॉर्म मिल जाए जिस पर केवल पर्याय हो, तीन चार पर्याय दिए जाएंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, तीन इनकरेक्ट होंगे और आपको एक का चूज करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको यदि बताया जाए कि तस्वीर कहानी की वास्तविकता क्या है, तस्वीर कहानी की यथार्थता क्या है, उसे अपने शब्दों में अंकित कीजिए, ऐसा यदि प्रश्न होता है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक पेज लेना होगा, उस पेज पर लिखना होगा पूरा, और लिखने के पश्चात आपको उसका पीडीएफ तैयार करके गूगल क्लासरूम पे डालना होगा। क्या करना है देखिएगा, समझिएगा कि आपको कैसे उसे लोड करना है। आपको पहले तो राइट डाउन करना है, उसे पहले लिखना है, लिखने के बाद उसका स्कैनिंग करना है, फोटो निकालना है स्कैनिंग के जरिए, और स्कैनिंग करने के पश्चात आपको पीडीएफ करना है, और पीडीएफ के बाद आपको वहां पर सेंड करना है। क्लियर हो गया? और ये सारी झंझटों से आपको मुक्त भी करा सकते हैं। आपको गूगल फॉर्म डाल दिया, उसमें पर्याय दे दिया, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट डाउन आप लोगों का जब तक नहीं होता है बेटा, तब तक एक भी कहानी आपके दिल और दिमाग में नहीं आएगी। तो ये सारा असाइनमेंट आपको आपकी परीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं ताकि आपने उस कहानियों में से कितना लिया, ये सभी की जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। इसलिए ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिए हैं। ऐसे असाइनमेंट्स हर कोई टीचर्स आपको देगा जो आपको कंपलसरी के रूप में फील करना ही होगा। क्लियर हो गए? दो तरीके के असाइनमेंट हो सकते हैं। पहला असाइनमेंट आपका गूगल पर हो सकता है, एक गूगल फॉर्म दिया जा सकता है, 10-10 नंबर के छोटे छोटे एक एक वाक्य के प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको केवल टिक करना है, पर्याय 3-4